जय हिंद दोस्तों, मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि जो आर्थ्रोपोडा फाइलम के क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, मतलब कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो भी जंतु आते हैं, जो भी एनिमल आते हैं, उनमें क्या क्या गुण पाया जाता है, उनकी क्या क्या विशेषता है। इससे पहले मैंने जो है इंटोमोलॉजी का 3 लेक्चर अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो कृपया करके उस 3 वीडियो को भी देखें ताकि आप लोगों को सारी बातें अच्छी प्रकार समझ में आए। यह जो क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम, यह आप लोगों के मिड टर्म में भी आता है, साथ साथ फाइनल में भी आता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। और इससे एक दो क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो है मिड, एक्सटर्नल और में जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोगों के द्वारा बताई जाने वाली जानकारी आप लोगों को पास समय समय पर पहुँचते रहे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। यहाँ देखिए यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहा हुआ, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, मतलब कि टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा वर्ड है? तो एक है आर्थ्रोन, एक है पोडोस। कहीं कहीं आप लोग को पोडोस, कहीं कहीं आप लोग को यू भी मिलेगा, कहीं कहीं ओ भी मिलेगा, तो कोई भी लिखिए, बात सेम ही हुआ, ठीक है। आर्थ्रोन का मतलब होता है सेगमेंटेड, सेगमेंटेड, और पोडोस का मतलब होता है फुट, ठीक है। जिस भी एनिमल का जो है सेगमेंटेड फुट होगा, उसका जो है फूड सेगमेंटेड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जो है हम लोग जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, क्या कि एक एक जो है आंकड़ा के अनुसार बताया गया कि अगर दुनिया में 5 एनिमल के स्पीसीज है तो उनमें से जो 4 जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान देना, ठीक है। 4 out of 5 एनिमल स्पीसीज ऑन द अर्थ, आर कम्स अंडर आर्थ्रोपोडा फाइलम, कम्स अंडर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ कि आर्थ्रोपोडा जो है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आर्थ्रोपोडा इज दी, यहां आर होगा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा इज दी लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। ये पॉइंट जो आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो इस पॉइंट को आप लोग जो है याद रखना है कि एनिमल किंगडम का जो है सबसे बड़ा फाइलम क्या है, तो वो है आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो है सेगमेंटेड फुट या लेग होता है। आर्थ्रोपोडा डिराइव्ड डियर नेम डियर, ठीक है, आर्थ्रोपोडा डिराइव्ड डियर नेम फ्रॉम ज्वाइंटेड लेग्स। इसके जो फुट होते हैं, इसके जो लेग्स होते हैं, वो ज्वाइंटेड होते हैं, इसी कारण से इसका जो नाम जो है आर्थ्रोपोडा पड़ गया, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो आप लोग लिख लीजिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम, ठीक है। आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो भी जंतु आते हैं तो उसका क्या क्या विशेषता होते हैं, क्या क्या से कौन कौन से जंतु आते हैं। तो जैसे कि इसमें आप लोग को पता है कि इसमें इंसेक्ट आते हैं, उसके अलावा स्पाइडर आता है, माइट आता है, स्कॉर्पियन आता है, प्रॉन आता है, इसको हम झींगा भी बोलते हैं, झींगा मछली बोलते हैं,
उसके बाद है आपको टिक आता है, माइट आता है, बहुत सारे और भी एनिमल आते हैं जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। ठीक है, तो उनका क्या क्या करेक्टरिस्टिक होगा, उनका क्या क्या विशेषता होगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, जो भी आर्थ्रोपोडा फाइलम में जंतु आते हैं, जो भी एनिमल आते हैं, उनका बॉडी सेगमेंटेड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या हो जाएगा, सेगमेंटेड बॉडी, मतलब उसका जो बॉडी होता है वो सेगमेंट में बटा होता है, सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब कितने सेगमेंट में बटा होता है, अब हम लोग उस पॉइंट को लिखेंगे। तो उनका बॉडी जो होता है 2 या 3 सेगमेंट में बटा होता है। ठीक है, सेगमेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 और 3 रीजन्स, और प्रत्येक रीजन को हम लोग, प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, टैग्मा, एंड नोन एज टैग्मोसिस, एंड नोन एज टैग्मोसिस, टैग्मोसिस। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्या कि हम लोग का जो बॉडी पार्ट है, हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग। जैसे क्या कि यह जो हेड है यह भी अंग है, गर्दन भी एक प्रकार का अंग है, हाथ भी अंग है, उसी प्रकार से हर एक सेगमेंट को, हर एक रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको टैग्मा बोलते हैं, और हर एक रीजन में जो डिवाइड करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं टैग्मोसिस। थर्ड पॉइंट क्या आता है, इसका जो बॉडी कवरिंग होता है वो क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या है, क्या है कि इसका जो बॉडी कवरिंग होता है वो रिन्यूएबल होता है, मतलब क्या कि वो फिर से नया आ जाता है उसमें, यानी कि ठीक है, रिन्यूएबल एक्जो स्केलेटन, एक्जो एस्केलेटन। ठीक है, उसका जो आउटर बॉडी कवरिंग होता है वो क्या होता है, रिन्यूएबल, मतलब समय समय पर उसमें चेंजिंग आते रहता है। फोर्थ क्या पॉइंट होता है, क्या कि इसमें क्या होता है, क्या कि इसमें जो है मोल्टिंग होता है, मोल्टिंग मतलब आप ऐसे समझिए जैसे क्या कि सांप क्या होता है, क्या कि अपना एक स्किन का लेयर को कुछ समय बाद क्या करता है, निकाल देता है, उसको बॉडी से रिमूव कर देता है, और फिर क्या होता है, उसके बॉडी के ऊपर फिर एक नया कवरिंग आ जाता है। उसी प्रकार से इंसेक्ट में भी होता है, इंसेक्ट क्या होता है, समय समय पर अपना जो ओल्ड बॉडी कवरिंग होता है उसको रिमूव कर देता है, और एक न्यू बॉडी कवरिंग को अटेन, मतलब कि प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मोल्टिंग। ठीक है, उसी से वो जो ग्रो करता है, अलग अलग स्टेज में जाता है, तो मोल्ट, तो ग्रोइंग ग्रोइंग बाई मोल्टिंग। मोल्टिंग बारे में आगे भी पढ़ना है चैप्टर, तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उस वीडियो में अच्छी प्रकार समझेंगे कि मोल्टिंग एक्चुअल में क्या होता है। चार पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या होता है, क्या कि उनका जो बॉडी कैविटी होता है उसमें एक प्रकार का ब्लड पाया जाता है, उसको बोलते हैं हीमोसील। अब बॉडी कैविटी का मतलब होता है, बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है, देखिए कैविटी का मतलब क्या होता है, क्या कि कोई भी खाली स्थान, जैसे क्या कि अनबारी जो हम लोग का होता है उसमें क्या खाली स्थान होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, बॉडी में भी हम लोग का खाली स्थान होता है, वहीं पर क्या होता है, ऑर्गन फिट होते हैं। जैसे क्या कोई भी हम लोग का हार्ट है, चाहे किडनी है, चाहे कोई भी पार्ट है, वो क्या है, बॉडी कैविटी में फिट है, मतलब जो खाली स्थान उसमें रखा हुआ है। उसी प्रकार से क्या होता है, इंसेक्ट का जो बॉडी कैविटी होता है उसमें एक प्रकार का ब्लड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हीमोसील, यानी कि बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड। ठीक है, बॉडी कैविटी क्या होता है, ब्लड से भरा होता है, बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड नोन एज, उसको बोलते हीमोसील, हीमोसील, COEL। ठीक है, सील। ये क्वेश्चन जो आप लोग के मिड टर्म एक्सटर्नल पेपर में आता है कि जो इंसेक्ट का जो बॉडी कैविटी होता है वो जिस ब्लड से बना होता है उस ब्लड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हीमोसील। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। उसके अलावा ये भी पॉइंट पूछता है क्या कि टेगमा क्या होता है, टेगमोसिस क्या होता है, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। और छठा पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा कि जब हम इंसेक्ट के बॉडी को या जो भी आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत जंतु आते हैं, जब हम उसको लंबवत, जैसे कि हम खड़े हुए, ठीक है, वाई एक्सिस में जब हम उसको डिवाइड करेंगे, मतलब कि लेटरल जब डिवाइड करेंगे तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, बाइलेटरल बाइलेटरल सिमेट्री, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में,
द्विपार्श्व सममित, मतलब क्या कि जब हम लंबवत कोई भी चीज को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सातवां पॉइंट क्या है। देखिए, उसका जो एलिमेंट्री केनाल होता है, मतलब जो आहार नाल होता है, आहार नाल मतलब क्या, जैसे क्या हम लोग को जो आहार नाल कहाँ से कहाँ तक है, वह जो है माउथ से लेकर एनस तक है। ठीक है, उसी प्रकार से इंसेक्ट का भी जो क्या होता है, आहार नाल जो होता है वो माउथ से एनस तक फैला होता है। माउथ उसका इंटीरियर पार्ट होता है और एनस उसका जो एक्सटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो उसी को हम लोगों को केवल जो है इंग्लिश में लिखना है। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्यूबुलर। ट्यूबुलर, ट्यूबुलर का मतलब क्या होता है, देखिए इस टाइप का अगर कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ मतलब ट्यूब के लाइफ का, तो उसको बोलते हैं ट्यूबुलर। ठीक है, तो ट्यूबुलर एलिमेंट्री, ट्यूबुलर एलिमेंट्री केनाल, उसके पास क्या होता है, ट्यूबुलर एलिमेंट्री केनाल होता है। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, माउथ टू एनस। ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है। फ्रॉम एंटेरियर टू पोस्टेरियर एंड। ठीक है, उसका जो एंटेरियर मतलब जो अगला भाग होता है वो माउथ होता है, जो पिछला भाग होता है वो एनस होता है, और उसका एलिमेंट्री केनाल कैसा होता है, ट्यूबुलर। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सात पॉइंट हो गया। आठवां पॉइंट क्या हो सकता है, अब देखिए उसका जो हर्ट होता है वो डोर्सल भाग में होता है। अब देखिए डोर्सल भाग मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए क्या कि कोई कोई गाय खड़ा है, तो कोई जब गाय खड़ा होता है तो उसका क्या होता है, उसका पैर जो है जमीन पर होता है, उसका पीठी क्या होता है आसमान की तरफ होता है। उसी प्रकार से जब कोई इंसेक्ट होता है मतलब कि जमीन पर होता है, तो उसका पैर नीचे होता है, उसका पीठी क्या होता है आसमान की तरफ होता है। तो अब देखिए जो उसका पीछे का भाग है, जो जो भाग आसमान की तरफ का भाग है, उस पार्ट को बोलते हैं डोर्सल। ठीक है, तो डोर्सल पार्ट में हर्ट पाया जाता है, और उसमें एक वाल्व होता है, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डोर्सल हार्ट, डोर्सल हार्ट विथ वाल्व लाइक ऑस्ट्रिया। ठीक है, उसका हार्ट जो होता है वो डोर्सल पार्ट में होता है, और उसमें क्या होता है वाल्व होता है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया। वाल्व के बारे में आप लोग जो है हार्ट चैप्टर में पढ़े होंगे क्या होता है वाल्व। उसके बाद है नवा पॉइंट। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोगों ने जो हार्ट की बात कर ली, उसी प्रकार से उसका ब्रेन भी जो होता है वो होता है डोर्सल पार्ट में। तो डोर्सल ब्रेन विथ वेंट्रल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व कोड। इसमें जो टोटल जो है 12 पॉइंट को पढ़ना है, तो अभी तक हम लोगों ने जो है 9 पॉइंट को पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता, जो आर्थ्रोपोडा किंगडम में जो भी एनिमल आते हैं उनका बॉडी जो सेगमेंट में डिवाइड होता है, बॉडी जो है दो या तीन सेगमेंट में डिवाइड होता है। प्रत्येक सेगमेंट को टेगमा बोलते हैं, और इस प्रोसेस को टेगमोसिस बोलते हैं। उसके बाद उसका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो रिन्यूएबल होता है, मतलब उसमें चेंजेज, उसमें बदलाव आता है, नया होता है फिर से। उसके बाद उसका जो ग्रोइंग होता है, जो उसका वृद्धि होता है, वो मोल्टिंग्स होता है। मोल्टिंग मतलब जो पुराना कवच है उसको उतारना, नया कवच को वो ग्रहण कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जो बॉडी कैविटी होता है, बॉडी में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर ब्लड होता है, उस ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोसील, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, बायलेटरल सिमेट्री, जब हम उसको लेटरल मतलब कि लंबवत जब उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, वह दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ट्यूबुलर एलिमेंट्री केनाल, माउथ टू एनस फ्रॉम एंटेरियर टू एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, उसका जो आहार नाल है, जो एलिमेंट्री केनाल है, वो जो है ट्यूबुलर होता है, कहाँ से कहाँ तक, माउथ उसका एंटेरियर पार्ट होता है, और उसका एनस उसका जो है पोस्टेरियर पार्ट होता है। उसके बाद है डोर्सल हार्ट, डोर्सल का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसेक्ट धरती पर होता है उसका जो आसमान की तरफ का जो भाग होता है उसमें जो है हार्ट पाया जाता है, उसी में वाल्व होता है, उसको ऑस्ट्रिया, उसको हम ऑस्ट्रिया बोलते हैं। उसी प्रकार से उसका ब्रेन भी होता है डोर्सल, उसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। तो हम लोगों जो है 9 पॉइंट को पढ़ लिया, अब 3 पॉइंट अब हम लोग को और पढ़ना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में 9 पॉइंट को पढ़ लिया, 3 और पॉइंट को पढ़ना है। देखिए उसका जो मसल होता है, ठीक है, वो स्ट्रेटेड होता है। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स, उसका जो मसल्स क्या है होता है वो स्ट्रेटेड होता है विथ
डार्क एंड विथ डार्क एंड लाइट बैंड्स, विथ डार्क एंड लाइट बैंड्स। अगला जो पॉइंट है वो है हम लोग का कि उसके बॉडी पर किसी प्रकार का हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, मतलब कि नो सीलिया। नो सीलिया, सीलिया क्या है? हेयर लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन दी सरफेस ऑफ बॉडी, ऑन दी सरफेस ऑफ बॉडी। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है हम लोग का कि उसमें पेयर्ड सेगमेंटेड अपेंडेज होते हैं, पेयर्ड सेगमेंटेड अपेंडेजेज। अपेंडेजेज का मतलब होता है अंग। देखिए जैसे क्या कि कोई भी भाग में अगर सेगमेंट है तो उसमें पेयर्ड सेगमेंट होगा उस अपेंडेज में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो आर्थ्रोपोडा फाइला में जो भी एनिमल आते हैं उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से एक बार दोबारा देखें और उसको जो है पॉइंट लिख के, सब पॉइंट को लिख के आप लोग याद कर ले। यह क्वेश्चन जो है आप लोग मिड और एक्सटर्नल दोनों के पेपर में आता है, और इसके बीच में मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं उससे भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट कीजिए ताकि हम लोग अगर कुछ वीडियो में कमी रह गया होगा तो हम लोग उसमें कुछ इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।